पहला है पैपिलोमा दूसरा है फा, फाइब्रोमा और थर्ड है लाइपोमा ओके ये तीन टाइप्स के ट्यूमर आते हैं बिनाइन ट्यूमर में अब हम देखेंगे कि पैपिलोमा क्या है पैपिलोमा आज कवर करेंगे पैपिलोमा जब भी स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे आपका ट्यूमर प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हम पैपिलोमा ओके okay, वो कैसा किस कैटेगरी में जाएगा पैपिलोमा के कैटेगरी में जब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे रहेगा और क्या दिखाएगा ये दिखाएगा आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे प्रोजेक्शन होंगे इसके या फिर ऐसे प्रोजेक्शन होंगे जब आप स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे देखेंगे तो ऐसे प्रोजेक्शन लाइक एरिया दिखाई देगी आपको तो आप देख बोलेंगे कि ये पेपिलोमा है अब क्या होता है कि पैपिलोमा के अंदर जो स्किन टैग होती है इसे स्किन टैग बोलते हैं या फिर आप बोल से हैं बोल सकते हैं हेमरटोमा हैमरटोमा बोल सकते हैं या फिर इसे स्किन टैग बोल सकते हैं तो ये कंटेंट क्या करता है ये जो सेंट्रल कोर इसका बीच में जो सेंट्रल कोर होता है वो क्या कनेक्ट कंटेंट uh, करता है कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स लाइनिंग एपिथीलियम एंड लिम्फेटिक्स ये चार चीजें ये कंटेंट करता है इसके अंदर ठीक है इसे कहते हैं हेमाटोमा स्किन टैग इसके अंदर जो सेंट्रल कोर है ये ये सब चीजें कंटेंट करता है अब इसके टाइप्स पेपिलोमा के टाइप्स क्या है ये डिवाइड किया गया है सब कैटेगरी में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर स्किन के पेपिलोमा रहेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे स्क्वायरमस पैपिलोमा और दूसरा क्या है बेजल सेल पेपिलोमा स्क्वायरमस सेल पेपिलोमा कहाँ होता है स्किन चीक और टंग में जब भी आपको पैपिलोमा दिखेगा स्किन चीक और टंग में आप बोलेंगे कि ये पैपिलोमा है और कौन सा पैपिलोमा है स्क्वायरमस पेपिलोमा है स्क्वायरमस सेल पेपिलोमा ज्यादा करके एल्डर पेशेंट्स में दिखाई देता है कहाँ कहाँ दिखाई देगा आपके आइस पे दिखाई देगा आइस पे कैसा दिखाई देगा एक स्मॉल सा Soft सा हो हो जाएगी brownish swelling हो जाएगी छोटी सी soft सी उसे कहेंगे ज़्यादा करके ये elder age में दिखाई देता है पेपिलोमा कंजनाइटल भी हो सकता है और ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है नंबर्स में क्योंकि ये पेडेंक्यूलेटेड होता है ये इसको हम लोग पेडेंकल भी बोलते हैं ये एरिया को पेडेंकिल भी बोला जाता है पेडेंक्यूलेटेड होता है और ससाइल होता है ठीक है ये मल्टीप्लाई कर सकता है खुद को नंबर्स में और कंजनाइटल भी होता है ये ये एल्डर एज में होता है स्मॉल होता है सॉफ्ट ब्राउनिस स्वेलिंग जैसा दिखाई देता है बेजल सेल पैपिलोमा सेबरोय केटिस बेजल सेल पैपिलोम क्या बोलते हैं सिबरॉय केटिस ये कहाँ होता है एल्डर पेशेंट एलिवेटेड पैच होता है brownish elevated. Elevation मतलब उभरा हुआ ऐसे ये स्किन है ऐसे एलिवेटेड पैच होगा आपको दिखाई देगा सेमी ट्रांसपेरेंट होगा ऑयली इसका अपियरेंस होगा जब बेजुल सेल पेपिलोमा होगा तो ऑयली अपियरेंस होगा सेमी ट्रांसपेरेंट होगा और एलिवेटेड होगा स्किन में ठीक है ये है स्किन का अब म्यूकस मेम्ब्रेन का देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ़ विसरल विसरल अगर ऑर्गन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में आकर हो रहा है उस टाइम पे पहला है ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा फिर कॉलमनर सेल्स और क्यूबॉडल सेल्स जो टाइप्स होते हैं सेल्स के उसके हिसाब से ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया ट्रांजिशनल कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल अगर ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा है तो ये मोस्टली प्रेजेंट होगा यूरिनरी ब्लैडर में इसके वजह से इस पेपिलोमा की वजह से क्या हो जाता है पेशेंट को हेमेचूरिया हो जाता है हेमेचूरिया मीन्स हेमेचूरिया हो जाएगा हेमेचुरिया मीन्स आपका हेमा हेमा मीन्स ब्लड ब्लड रहेगा यूरिन में इसे बैठते हैं हेमा अगर कॉलमनर सेल्स पैपिलोमा होगा तो ये कहाँ होता है रैक्टम में और ये क्या करेगा म्यूकस डायरिया डायरिया हो जाएगा आपको और क्यूबाइडल सेल अगर पेपिलोमा है तो ये क्या करेगा सॉरी ये गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है पहला है यूरिनरी ब्लैडर में दूसरा है रेक्टम में और गैल ब्लैडर में ट्रांजिशनल यूरिनरी ब्लैडर में होगा कॉलमनर रेक्टम में होगा और क्यूबॉइडल जो होगा वो गाल ब्लैडर में होगा ठीक है सेल पेपिलोमा कहा होता है मोस्टली लैरिंग्स में होता है और इसका लास्ट टाइप है पेपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट ये डक्ट पेपिलोमा इसमें क्या होता है ब्लीडिंग ऑफ द निपल होता है ठीक है पर निपल ब्लीड होता है स्कॉर्मिस सेल कहाँ होता है लैरिंग्स में और अगर ब्रेस्ट में होगा तो ये निपल में ब्लीडिंग कराता है ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है दिख रहा है या है या सिम्टम्स तो आप डायरेक्ट इंसिजन होगा इसका और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसमें पेपलोमा में कि सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाता है अगर स्किन पेपिलोमा है तो सेकेंडरी इंफेक्शन होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा पेन और स्वेलिंग होगी और क्या हो जाएगा मैलिग्नेंसी शो करेगा ये कैन शो मैलिग्नेंट चेंजेस अगर ये प्रेजेंट है इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द्रश रेक्टम टंग एंड गॉल ब्लेडर अगर ये फोर पार्ट्स में आपके प्रेजेंट है तो ये क्या शो करता है मैलिग्नेंसी ठीक है तो ये है पैपिलोमा का डिस्क्रिप्शन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए आपको जो टॉपिक चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ फॉर इजी लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू कीप वाचिंग पैंड इंडस्ट्री